हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नॉट मी सीरीज के एपिसोड 9 का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि योक डैन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। जब डैन योक को उसके घर ड्रॉप कर देता है तो योक उसे अंदर आने को बोलता है और अपनी मॉम को दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरी मॉम है। डैन उन्हें नमस्ते बोलता है लेकिन वो उसकी तरफ देखती नहीं। डैन को काफ़ी अजीब लगता है। योक अपनी मॉम के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है। चूंकि योक की मॉम सुन बोल नहीं सकती इसलिए वो इशारों से बोलती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है लेकिन मैंने इससे पहले तो इसे कभी नहीं देखा। योक डैन से बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हारा वेलकम कर रही है और पूछ रही है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो इससे पहले उन्होंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा। डैन उसकी मॉम से बोलता है कि मैं योक का फ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो योक से कहता है कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ ना। इसके बाद योक एक एकांत जगह पर आकर बैठ जाता है। डैन भी उसके साथ साथ वहां पर आ जाता है। योक जैसे ही स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है, डैन उसे ले लेता है और साइड में फेंक देता है और उसे पूछता है कि टावी की फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम लोगों ने किया है ना। योक हाँ बोलकर ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। डैन उसे कहता है कि वो तुम लोगों से निपटने के लिए गैर कानूनी तरीका अपना सकता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अगर आज मैं वहां पर नहीं होता तो वो पर्सन तुम्हारा तब तक पीछा करता जब तक कि उसे पता नहीं चल जाता कि तुम सब कहाँ पर छिपे हुए हो। योक उससे कहता है कि ठीक है, मैं अब से केयरफुल रहूँगा। डैन उससे कहता है कि आई थिंक अब इन सब से निपटना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया है। योक ये सुनकर कुछ उदास सा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। डैन उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। योक उससे सवाल करता है कि तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे। डैन उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को सेफ रखूंगा, हालांकि तुम लोग जो अनलॉफुल काम कर रहे हो मैं उसमें तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, पर तुम लोगों को सेफ रखने में हेल्प कर सकता हूँ। योक उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो। डैन हाँ में सिर हिलाता है। योक उससे कहता है कि प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलूँगा तो तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। डैन उससे कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। योक उससे कहता है कि सिर्फ ये बोल देना ही काफ़ी नहीं है और ये बोलते ही वो डैन को किस कर लेता है। डैन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो वापस से योक को किस करने लगता है और यहाँ पर दोनों अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं। योक उसे किस करते हुए उसके लिप्स को बाइट कर देता है जिसके कारण डैन खुद को उससे अलग कर लेता है। योक उससे बोलता है कि तुम हमारी ये प्रॉमिस ना भूलो, ये उसके लिए है। फिर दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है। नुच ग्राम को कुछ नोट्स देकर कहती है कि इसे ब्लैक को दे देना और बोलना कि वो अपनी क्लास इतना ज़्यादा ना मिस करे और वो चली जाती है। ग्राम आगे बढ़ता है तभी सामने से आ रही यूजिन उससे बोलती है कि कैसे हो ग्राम, तुम्हारी क्लास अभी ख़त्म हुई क्या। ग्राम उससे कहता है कि हाँ और आज तो मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई है। यूजिन उससे कहती है कि क्यों, बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्या। ग्राम उसे नुच का दिया हुआ वो नोट्स दिखाता है जिस पर कि फॉर ब्लैक लिखा होता है। तब वो उससे बोलती है कि ब्लैक ने फिर से अपनी क्लास मिस की क्या। ग्राम उससे कहते हैं कि हाँ वो आजकल क्लास करने आ ही नहीं रहा है। यूजिन उससे कहती है कि ब्लैक हमेशा से ऐसे ही है, मैं अक्सर उससे क्लास आने को बोलती थी। आई नो कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है लेकिन सिर्फ टेस्ट के मार्क्स से ही तो वो पास नहीं हो सकता ना, अगर ऐसा ही रहा तो क्या वो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर पाएगा। ग्राम थोड़ा नाराज होते हुए बोलते हैं कि तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, उसने तो कभी तुम्हारी इतनी चिंता नहीं की। ग्राम का ऐसा बर्ताव देखकर यूजिन उससे बोलती है कि अरे तुम्हें क्या हो गया। ग्राम उससे कहता है कि तुम्हें ब्लैक जैसे इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता भी है उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। यूजिन समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है। वो उससे कहती है कि क्या तुमने उससे बात की। ग्राम उससे बोलता है कि हाँ मैंने बात की क्योंकि मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। मैं नहीं चाहता कि वो हम दोनों को गलत समझे इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया ताकि वो फिर से तुम्हारे पास आ जाए। यूजिन गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि तुमने ये सब किस लिए किया, तुमने जो कहा है इसका मतलब मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है। ग्राम उसे समझाता है कि नहीं यूजिन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यूजिन को काफ़ी गुस्सा आ गया होता है। वो उससे कहती है कि ग्राम क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना, और क्यों ऐसा ज़रूरी है क्या कि मैं उससे ऐसे ही प्यार करती रहूं। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती जो लड़कों के पीछे भागती रहती हैं, ऐसा करना बिल्कुल बेकार है। जाने अनजाने में ग्राम ने यूजिन को काफ़ी हर्ट कर दिया था। यूजिन वहां से चली जाती है। ग्राम उससे कहता है कि यूजिन मेरी बात तो सुनो। यूजिन नहीं रुकती, ग्राम को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन और वाइट गैरेज वापस आने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। शिन वाइट के पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसे देता है।
व्हाइट कोल्ड ड्रिंक लेने लगता है। शिन उसे नहीं देता। व्हाइट समझ जाता है कि अगर उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो उसे शिन को थैंक्स बोलना पड़ेगा, लिहाजा वो उसे बड़े प्यार से थैंक्स बोलता है। तब जाकर शिन उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। व्हाइट उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लगता है। शिन को तभी अचानक शरारत सूझती है। वो कोल्ड ड्रिंक को व्हाइट के ऊपर फेंकने लगता है। व्हाइट भी वैसे ही करता है। इसके बाद शिन व्हाइट को हेलमेट पहनाता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पर खड़ी कार एक उन पर नज़र रख रही होती है। अब दोनों मेन रोड पर आ चुके होते हैं। शिन नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो व्हाइट को बताता है कि देखो कोई पीछा कर रहा है। व्हाइट पीछे मुड़कर देखने लगता है। तब शिन उसे मना करता है कि ऐसा वो ना करे और उसे कहता है कि चलो हम स्पीड तेज करके देखते हैं कि क्या वो तब भी हमें फॉलो कर रहा है। दोनों बाइक की स्पीड तेज कर देते हैं। व्हाइट शिन से बोलता है कि जल्दी से टर्न लो क्योंकि सामने वन वे रोड है। दोनों जल्दी से वहाँ पर मुड़ जाते हैं और रोड क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही उनका पीछा कर रही कार वहाँ पर टर्न लेती है, उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है जिससे कि उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों बचते बचाते गैरेज पहुँच जाते हैं। गैरेज सुनसान पड़ा होता है। शिन व्हाइट से कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ये जगह अब भी सेफ हो। व्हाइट वहीं पर साइड में जाकर बैठ जाता है और शिन को अपने पास आने के लिए कहता है। शिन के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही होती है। व्हाइट उसे समझाता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। व्हाइट उसका मूड ठीक करने के लिए उसे किस कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से ठीक लग रहा है। शिन नामे से रिलाता है। व्हाइट उसे फिर से किस कर लेता है और उसे हक करके बोलता है कि स्ट्रेस मत लो। फिर उसके चिक्स पर किस करके पूछता है कि क्या अब बेटर है। शिन उसे कहता है कि अब भी नहीं। हाँ भाई, जब किसी के पास इतना क्यूट बॉयफ्रेंड हो और वो पैम्पर करने के लिए किस करे तो कौन बेवकूफ़ बोलने जाए कि हाँ अब ठीक लग रहा है। व्हाइट उसे फिर से किस करने लगता है और ये दोनों बेफिक्र होकर किस करने लगते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, हमारे शिन को तो यही चाहिए था। इस तरह से ये दोनों महान व्यक्ति एक दूसरे में बिजी होते हैं और यहाँ पर कोई उनको छुप कर देख रहा होता है और वो जैसे ही स्टॉकर जाने के लिए मुड़ता है कुछ आवाज़ हो जाती है। व्हाइट चिल्लाता है कि कौन है वहाँ पर। शिन बोलता है कि गंपा तुम हो क्या। दोनों अलर्ट हो जाते हैं। शिन लोहे का रॉड ले लेता है और आसपास सर्च करने लगता है। शिन व्हाइट से पूछता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो क्या ये चीज़ें ऐसी ही थी। व्हाइट बोलता है कि नहीं, ये तो गिरने जैसा लग रहा है। जब हम आए थे तो पहले ऐसा नहीं था। उसी वक्त व्हाइट के फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ़ोन ब्लैक का होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मॉम ने ब्लैक को कॉल किया होता है, लेकिन ये फ़ोन तो व्हाइट यूज़ कर रहा होता है। व्हाइट साइड में जाकर कॉल रिसीव करता है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि ब्लैक क्या तुम हॉस्पिटल से भाग गए हो, मुझे तो लगा कि तुम कॉल पर भी मुझसे बात नहीं करोगे। व्हाइट सोच में पड़ जाता है कि ब्लैक को होश आ गया है, फिर वो हॉस्पिटल से भागा क्यों। तभी उसकी मॉम उससे बोलती है कि देखो अगर ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़कर तुम्हें कॉल नहीं करती। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम मुझे उसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलो जहाँ पर हम यूजुअली मिला करते हैं। तुम्हें वो जगह याद तो है ना। व्हाइट उनसे बोलता है कि हाँ मुझे याद है। उसकी माम उससे कहती है कि ठीक है, दोपहर को 2 बजे मिलते हैं। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार तुमसे अपने माँ बेटे बने रहने वाले रिश्ते के लिए कोई दुहाई नहीं मांगूंगी। व्हाइट उनसे बोलता है कि ठीक है। व्हाइट सोचने लगता है कि अगर ब्लैक यहाँ गैरेज में नहीं आया है तो वो ज़रूर अपने रूम पर होगा। इससे पहले कि सब कन्फ्यूज़ हो जाए मुझे जल्दी से जाकर उससे बात करनी होगी, उससे मिलना होगा। व्हाइट शिन के पास आता है और उससे बोलता है कि मॉम का कॉल आया था, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शिन उससे बोलता है कि तुम्हारी वही मॉम ना जो कि जज है। व्हाइट बोलता है कि हाँ, लगता है ज़रूर कोई बात है, मुझे जाना पड़ेगा। शिन उससे बोलता है कि ठीक है, पर जाने से पहले क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ। फिर दोनों गले मिलते हैं। शिन उससे कहता है कि चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। और जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही लवी डवी बन रहा होता है। व्हाइट उससे कहता है छोड़ो मुझे जाना है। वो उससे कहता है कि कोई तो नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं देख रहा है। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो बाहर नामो खड़ी होती है। शिन उससे कहता है कि हे नामो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नामो उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी, क्यों क्या मैं अब यहाँ पर नहीं आ सकती। शिन उससे कहता है कि आ सकती हो, पर मुझे लगा कि तुम मुझे पहले कॉल करके आओगी। तभी व्हाइट शिन से बोलता है कि मुझे चलना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। व्हाइट के चले जाने के बाद नामो शिन से कहती है कि मैं पूरे दिन तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। शिन उससे कहता है कि हम कुछ काम कर रहे थे। नामो उससे कहती है कि ओह, तो तुम पूरे दिन उसके साथ थे। उसका मतलब व्हाइट से होता है। शिन उससे कहता है कि मैं उसके साथ ही था। नामो उससे कहती है कि मैं सीरियसली तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे और ब्लैक के बीच में क्या चल रहा है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पता चलता है कि नामो शिन पर नज़र रख रही होती है।
जब वो व्हाइट के साथ उस सुनसान बिल्डिंग पर गया होता है, व्हाइट की इतनी केयर करते हुए देखकर नामो को तभी शक हो गया होता है। नामो सिन से सवाल करती है कि मैंने जो देखा उससे कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना। सिन इस बात को एक्सेप्ट करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। नामो उदास हो जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। वो उससे बोलती है कि ओके, मुझे बस इतना ही जानना था, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों की फीलिंग्स कभी भी बदल जाती है, और इसके अलावा तुमने कभी मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को पूछा भी तो नहीं है। सिन को उसके लिए काफ़ी बुरा फील होता है। वो उससे बोलते हैं कि नामो आई एम सॉरी। नामो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और तुम्हें पता है इतनी छोटी सी चीज़ मुझे हर्ट नहीं कर सकती। पर सच तो ये होता है कि नामो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो सिन से बहुत प्यार करती है, पर वो सिन के सामने स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रही होती है ताकि सिन को गिल्ट फील ना हो। वो उससे कहती है कि मुझे वापस चलना चाहिए, और ये बोलकर नामो वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं पर पेंटिंग कर रही होती है। आखिरकार वो खुद को कब तक रोक पाती, और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे हग कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। नामो उससे रोते हुए बस एक ही बात बोलती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। वो नामो को बोलती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम यूजीन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई डांस का रिहर्सल कर रही होती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स उसके स्किन पर पेंट लगाने लगती हैं क्योंकि उनके डांस का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा होता है। वहीं दूर खड़ा ग्रैम उसके डांस को देख रहा होता है। तभी अचानक यूजीन को काफ़ी अजीब लगने लगता है। वो अपना डांस बंद कर अपनी स्किन पर लगे हुए कलर्स को देखने लगती है। यूजीन का ये बर्ताव देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि यूजीन क्या तुम ठीक हो ना, क्या हुआ। यूजीन उससे बोलती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। यूजीन की फ्रेंड उससे कहती है कि देखो यूजीन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी और दिन रिहर्सल कर लेंगे। यूजीन बोलती है कि ठीक है, किसी और दिन रिहर्सल करते हैं, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्रैम को यूजीन का बर्ताव समझ नहीं आता, यूजीन पर क्या बीत रही है ये सोचकर उसे बुरा लग रहा होता है। वहीं इधर वाइट वहां पर आता है जहां पर ब्लैक का रूम होता है। वो जैसे ही ब्लैक के रूम में जाने के लिए जाता है, वहां पर दो पर्सन पहले से मौजूद होते हैं जो कि गार्डिंग कर रहे होते हैं। वाइट को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो डोर के बजाय दीवार को चलकर ब्लैक के रूम में जाता है। वाइट जैसे ही रूम में जाता है, वो देखता है कि कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने उसकी तलाशी ली हो। वाइट लाइट ऑन करता है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती इसलिए लाइट ऑन नहीं हो पाता। वाइट जैसे ही आईने के सामने जाता है, कोई पर्सन पीछे से आकर उसका गला दबाने लगता है। दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। वाइट उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि उसने हुडी पहन रखा होता है और अंधेरा होता है। वो अचानक वाइट को कांच के टुकड़े से मारने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और वाइट को उसके नाम से पुकारता है। वाइट शॉक्ड रह जाता है, और साथ में हम व्यूअर्स भी, क्योंकि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं। जब वो अपना फेस रिवील करता है तो वो ब्लैक होता है। वाइट उसे देखते रह जाता है। यहाँ पर वाइट की बैकग्राउंड वॉइस चलती है जिसमें वो कहता है कि मैंने हमेशा से इस दिन की कल्पना की कि मैं अपने भाई से फिर से मिल पाऊँगा, और वो पल दिल को सुकून देने वाला होगा। लेकिन अभी जो हुआ वो इतना डरावना था कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी बहरूपी यानी कि हमशक्ल से मिल रहा हूँ, ना कि अपने जुड़वा भाई से। ब्लैक को देखकर वाइट काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसकी आँखें भर जाती हैं। वाइट रोते हुए उससे कहता है कि ब्लैक जवाब देता है कि हाँ, मैं ब्लैक ही हूँ। वाइट ब्लैक से बोलता है कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं मिले, कैसे हो तुम। ब्लैक उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। वाइट इमोशनल होकर बोलता है कि कैसे हो मेरे भाई। ब्लैक उससे कहता है कि तुम बताओ, तुम कैसे हो। वाइट रोते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। वाइट को रोते हुए देखकर ब्लैक उससे कहता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोते हो। वाइट उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम्हें बहुत कुछ बताना था, लेकिन अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वाइट ब्लैक को हग कर लेता है। वाइट उसे टाइटली हग करके रोने लगता है। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं। ब्लैक उससे कहता है कि तुम काफ़ी हद तक मेरे जैसे लग रहे हो, ये बहुत ही क्रीपी लग रहा है। ब्लैक ध्यान से वाइट को देखने लगता है, फिर वो उसके कपड़ों को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, क्या तुम मेरे जैसा बनने का नाटक कर रहे हो। वाइट उसे बताता है कि जब तुम कोमा में थे तो मैं जानना चाहता था कि तुम्हें किसने हर्ट किया, इसलिए मैंने खुद को बदला, तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारी गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये सुनते ही ब्लैक उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या तुम बेवकूफ़ हो। इसके बाद ब्लैक अपने कपड़े चेंज करने लगता है। वाइट उससे कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हें किसने मारा, मैं बस उस इंसान का पता लगाना चाहता था। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं तुम्हारे फेवर को रिटर्न करना चाहता था, और तुमने ही मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि जो भी हमें हर्ट करे हम उससे लड़े,
इस पर ब्लैक उससे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। व्हाइट उससे कहता है कि ये सभी काम करते वक्त तुम तो नहीं डरे, फिर मैं क्यों डरूं, मुझे क्यों डरना चाहिए। ब्लैक उसे समझाता है कि व्हाइट मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग बोलते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता वो मौत के दरवाजे तक कभी पहुंचे ही नहीं होते, लेकिन मैं मौत के करीब जा चुका हूँ। व्हाइट मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दरवाजे तक जाओ। व्हाइट उससे कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो ब्लैक, मॉम ने अभी कॉल किया था, वो तुमसे बात करना चाहती हैं। ब्लैक उससे कहता है कि हमने बहुत समय पहले ही बात करनी बंद कर दी थी और तुम मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। व्हाइट उसका फ़ोन दे देता है। ब्लैक अपनी इयररिंग्स उसके कान से निकाल कर खुद पहनने लगता है। व्हाइट उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था, किस बात पर झगड़ा हुआ था, क्या तुमने सच में उनसे अपना सब कुछ रिश्ता तोड़ दिया है, अपना मुंह मोड़ लिया है। ब्लैक उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। व्हाइट उसे कहता है लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती तो वो तुम्हें कॉल नहीं करती, जाओ उनसे मिल लो। ब्लैक कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। व्हाइट उससे कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? ब्लैक उसे कहता है कि तुम इस मैटर से दूर ही रहो। व्हाइट उसे कहता है कि अब तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्या तुम डिस्चार्ज होने के लायक हो? ब्लैक उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल से भाग कर आया हूँ। ये सुनकर व्हाइट परेशान हो जाता है, उसे ब्लैक की चिंता होने लगती है। वो उससे कहता है कि तो एक काम करते हैं, तुम वापस चलो, अच्छे से एक बार चेकअप करा लेते हैं। ब्लैक कुछ भी नहीं बोलता। ब्लैक अब पूरी तरह से अपने पुराने वाले गेटअप में तैयार हो चुका होता है। व्हाइट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे अलावा किसी और से मिले? ब्लैक उससे कहता है कि नहीं। व्हाइट उससे कहता है कि और डॉट, क्या तुम मुझसे मिले? डॉट का नाम सुनते ही ब्लैक अचानक भड़क जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे मिले? व्हाइट उसे बताता है कि हाँ, डॉट ने ही तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मुझे तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हारे गैंग को ज्वाइन करने में मदद की। ब्लैक उससे कहता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें चीट किया गया है। व्हाइट शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पर एक शॉकिंग सच सामने आता है। ब्लैक उसे बताता है उस बास्टर्ड टॉड ने ही मुझे हर्ट किया, उसकी वजह से ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। व्हाइट के तो होश उड़ जाते हैं और साथ में हमारे भी, टॉड तो आस्तीन का सांप निकला। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।